लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। कोई कुछ भी कहे, पर उनमें से हर आदमी अंडरवर्ल्ड से कोई ना कोई कनेक्शन था। मलिक, लड़ाइयां हमने भी लड़ी, लेकिन धंधे की लाश पर नहीं। एक दूसरे को खत्म करने के चक्कर में तुम पूरे घर को गाड़ रहे हो। बच्चों के सर पर मौत का डर बैठ गया है। या तो वो तुम दोनों के बीच रगड़े जा रहे हैं या पुलिस उन्हें उड़ा रही है। मलिक, ये सब कब खत्म होगा? कल चंदू का पता चल गया है। कनु की बहुत याद आ रही है यार, तो फोन कर लेना। अरे तो मेरे को नहीं मालूम है क्या? हाँ, ऐसे बोल रहा हूं ना, बहुत याद आ रही है। यार पुलिस से ज्यादा मेरे को शादी से डर लगता है। अरे शादी में डरने का क्या है? शादी क्या है यार, अच्छी वाली लाइफ को गोली मार दो। ए, मेरे को गोली लगी क्या? हाँ, बात करता है। देख, कन्नू से शादी करने से पहले ना मेरे को मालूम नहीं था मेरे पास क्या नहीं है। आज अक्खा दुनिया में मेरे से ज्यादा खुश आदमी नहीं होएगा। क्या है? तेरा तो एनकाउंटर हो गया यार। लेकिन एक बात तो तेरी ठीक है, शादी के बाद यार आदमी बदल तो जाता है। अब देख, शादी के पहले तू कौड़ा 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 किधर है, और अब शादी के बाद कन्नू 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 किधर है? सारे तू मार खाएगा। Thank you.
कैसे हो? ठीक हूँ, आप कैसे दीदी? अच्छी हूँ। गोलियां खाया इतना तो पक्का है, मर गया होगा कुत्ता 100%। एक चम्मच। दीदी ये सब नहीं होता तो मलिक भाई कैसे? अच्छे। चंदू ठीक है। दीदी आपको बोलने का मौका नहीं मिला लेकिन आपने जो मदद किया वो कभी नहीं भूलूंगी दीदी। तो कब भाई? कनू, कनू, जल्दी ऊपर आ जा, तू जो आप जल्दी ऊपर आ जा, जल्दी। क्या हुआ? अभी मैंने टीवी पे, क्या हुआ? टीवी पे चंदू को किसी ने गोली मार दी। कहाँ पे? हेलो कृष्णा भाई, तो मैंने देखा था। मैं पप्पू बोल रहा हूँ, चंदू को कुछ पता चला? ये बटन दबाना, आगे जाना। हमला कीनिया नैरोबी में उसके घर पर हुआ। कहा जा रहा है 3 गोलियां लगने के बाद अंडरवर्ल्ड डॉन चंदू के जिंदा बचने के आसार बहुत कम हैं। और अब टाइम है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद देखेंगे मौसम का हाल। सर वहां के ऑफिसर से बात हो गई है, बोल रहे हैं कि इंजरी से बट ही इज आउट ऑफ डेंजर। ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करता हूं। एक बार 10 बार कोशिश कर पर उस सलम मलिक को मार दे, कुछ भी कर उस मलिक को मार दे बस। तू चुप कर चंदू, आराम कर तू। हेलो 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 कौरव, अम्मा हाँ अम्मा, एक चंदू को दे। हेलो चंदू, ए माँ चंदू ठीक हूँ मैं। तू रोते का एक बारे बोला ना ठीक हूँ। बकवास मत कर, 3 गोली लगी है तेरे को। कोई 3 गोली वोली नहीं लगी है। देख मैंने अभी अभी टीवी पे तेरे टीवी को जास्ती मालूम है कि मेरे को? मेरे को फोन दे। अभी रोना बंद कर चल। चंदू बेटा बस अब सुलह कर ले बेटा, के लिए सपन करते बेटा। अभी तो सब शुरू हुआ है। देख अब आपके पास भगवान ने बचा लिया तेरे को। तू उनको फोन दे बस। चंदू भाई लेकिन उन सालों कैसे? बात सुन, कुछ बोल मत। उस साला कृष्णन का हाथ है सब में। अपना कृष्णन बोला ना, सुन चंदू मैं तू सब लड़के लोग को बोल उससे बच के रहने का, बाकी मैं इधर से देख लेगा। कनु को दे। चंदू क्या हो गया? चंदू चल अभी तुम भी शुरू मत हो। कनु भाई से शादी करने का था, कभी क्या हुआ? चंदू मैं कुदरा नहीं कह। चंदू बाबू मत बन कनु, तू इधर आके क्या करेगी? चंदू मैं कुदरा नहीं कह। चंदू मेरे को कुछ नहीं सुनने का है। कोड़ा ही डूबे ना इधर, सब देख लेके मेरे को। तुम क्यों नहीं सुनता? तू माँ का ध्यान कर, संभालना उसको। आज सुबह एक बार फिर अंडरवर्ल्ड ने मुंबई निवासियों को अपनी मौजूदगी का एहसास कराया जब वडाला मार्केट के एक दुकानदार की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि मृत कृष्णन पिल्ले चंदू मलिक गैंग से संबंध रखता था और ये हत्या भी उसी अंडरवर्ल्ड वॉर का हिस्सा हो सकती है।
ये घटना कब हुई कोई नहीं बोल पा रहा है, लेकिन आसपास के दुकानदारों को 17-18 साल के लड़के पर शक है। पुलिस के अनुसार कुछ लोगों का कहना है कि उस लड़के को मृत व्यक्ति के साथ अक्सर देखा गया था। पुलिस को अब उस लड़के की तलाश है। वडाला मार्केट से मीनाक्षी शर्मा, मुंबई, आज तक। एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ हांगकांग से लाइन पर हैं गणेश यादव, जो मलिक गैंग के खास हैं और जिनके लोगों ने कथित रूप से केन्या में चंद्रकांत पर जानलेवा हमला किया। यादव भाई, क्या मकसद था आप लोगों का इस हमले के पीछे? अभी वो भी बताना पड़ेगा क्या? साला जो थाली में खाया उसी में ढकार दिया। उसको सबक सिखाने का था ये धंधे में गद्दारों का क्या हाल होता है। मगर हमने तो सुना है कि आपके हमले के बावजूद वो जिंदा है। अरे जिंदा है क्योंकि साला पीठ दिखाकर भाग गया ना, पर अभी तो चल भी नहीं सकता। अभी क्या करेगा कुत्ता? हाथ पैर चलना तो बंद करा ही दिया है, अब एक दो दिन में सांस भी बंद कर देंगे साले की। लेकिन यादव भाई, वो तो वहाँ पुलिस प्रोटेक्शन में है। अरे पुलिस प्रोटेक्शन की ऐसी की तैसी, सबके सामने साले का कीमा बना के उसके घर को भेजेंगे। अभी बोलो उस कुत्ते को मेरी तरफ से, एक दो दिन में घर वालों से जो कहना सुनना है सब कर ले, फिर मौत तो आनी ही वाली साले को। अभी तो गया गया साला खलास। पागल हो गई है तू? समझती है मलिक तेरे कहने पर चंदू को छोड़ देगा? बेवकूफी की बातें कर रही है तू? कर रही हूँ दीदी, मैं बेवकूफी बातें कर रही हूँ दीदी? लेकिन सुनो ना दीदी, सुनो ना दीदी, चंदू किसी और कौन है दीदी? मेरा और कोई नहीं है दीदी। दीदी एक बार मलिक भाई के साथ बात करा दो दीदी, मैं चंदू के साथ बात करूंगी। मैं उसको बोलूंगी सब कुछ छोड़ दे, सब कुछ छोड़ने का नहीं, कुछ नहीं करेगा वो अभी, वो सब कुछ छोड़ेगा, कुछ भी नहीं करेगा अभी। दीदी आपने एक बार मेरा मदद किया था ना, आखिरी बार कर दो दीदी, आपसे मैं कभी कुछ भी नहीं मांगी दीदी। दीदी देखो कोशिश तो करे दो दीदी, कोशिश तो करे दो दीदी, कोशिश तो करे दो दीदी। सिक्योरिटी वगैरह ठीक से देख लेना, इस बार बचना नहीं चाहिए। बाद में फोन करता हूं। ये कनु तुमसे कुछ कहना चाहती है। तेरी हालत मुझे पहले से मालूम है, इसलिए पूछकर वक्त नहीं बर्बाद करूंगा। मैं यहाँ पुलिस नहीं, इस देश में तो हूँ। हमारे इस देश के साथ कोई एक्सट्रेडिशन ट्रीटी भी नहीं, बस ऐसे ही आ गया तेरे को देखने। मेरे को एड़ा समझा क्या? मैं एड़ों के मुंह नहीं लगता। अभी क्या करेगा? ज्यादा बेस तो बचा नहीं तेरा। इंडिया को तो मालूम ही है कुछ गिने चुने लोग बचे हैं। मलिक भी मारा, मैं भी मारा। हाँ मुझे पता है नए नए लोग आते रहते हैं, पर ये तो तेरे को मानना पड़ेगा कि अब कंपनी की वो बात नहीं रही। क्या
क्या बोलता है? कुछ चाय वाय मिलेगी इधर? कन्नू, इतना धंधा तो तूने भी देखा है। अब ना वो कुछ छोड़ सकता है और ना मैं उसे छोड़ सकता हूँ। छोड़ने को क्या बचा है मलिक भाई? तीन गोली लगा उसको, तीन गोली। कैसा नहीं करके जिंदा है, बहुत बुरे हाल में मलिक भाई, आप तो जानता है ना, वो क्या कर सकता है अभी? मलिक भाई, मैं बोलूंगी उसको, मैं समझाऊंगी, वो कुछ नहीं करेगा, वो सब छोड़ देगा, आप बस उसको माफ कर दो। तू समझती हो तेरी बात सुनेगा? मलिक भाई, मैं समझाएगी, वो सुनेगा मेरी बात, मैं जानती हूँ वो सुनेगा मेरी बात। हम वापस फिर कभी नजर नहीं आएंगे, हम कहीं तो भी चले जाएंगे मलिक भाई, आप बस उसको माफ कर दो। दीदी कुछ बोलो ना। मलिक भाई, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ मलिक भाई, आप उसको माफ कर दो, और मेरे को छोटी बहन समझ के उसको बस जिंदा छोड़ दो, बस उसको जिंदा छोड़ दो, मेरे खातिर जिंदा छोड़ दो मलिक भाई, मेरे खातिर जिंदा छोड़ दो मलिक। वो कुछ नहीं करेगा, जो नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता रे? उसने तेरे लिए सब कुछ किया, तेरा जान भी बचाया, और अभी तो उसके जान के पीछे पड़ा है। जिन बातों को तू समझ नहीं सकती उन्हें समझाने का कोई फर्क। ये क्या कर रही? समझा तू कनु, गन मुझे दे। वो कंधे मुझे देख, देख को भी मत कर, मुझे तो को मारने का चला जा। बहुत हो गया, मैं मेरे को लेने आई, तो आगे मेरे सामने मले बिच। गाड़ी निकाल। अभी अभी पता चला है हांगकांग में तेरी दीदी की मौत हो गई। क्या पता कर ले? माँ, कनु, कनु को फोन दे। हांगकांग? अरे मेरे को बोलो दी। एक गोली सर में घुसी, दूसरी पेट छेद करके निकल गई, लेकिन मैं समझता हूँ मौत शायद पहली गोली से हो गई होगी। कौन किया, क्यों किया, मैं नहीं जानता, पर इसका जिम्मेदार तू है। बस एक बात बता मुझे, क्यों गुस्सा इस धंधे में? पैसा जो तेरे खर्च करने से पहले तेरे को खर्च कर सकता है, पावर दिखी रही है। बस एक टाइम में छोटा मोटा डकैती किया, उसके बाद मलिक मिला, बैठा गया, और अब इधर। उसके बदले में मिला क्या? घटे दोस्त, मरी बीवी, दूर में मां, और पब्लिक में गैंगस्टर। अरे तेरे से तो मैं उन हरामियों को मानता है जो तेरे जैसे को इस्तेमाल करते। अब तेरा फ्यूचर क्या है?
वो लोगों के अगले हमले का इंतजार करना, किस्मत से बच गया तो भागते रहना और बदले का मौका देखते रहना, है ना? आखिर में मारोगे या मरोगे, और मारोगे तो भी मरोगे। अगर मैं जो अब तक कहा तेरे को इसमें इतना भी सच लगा तो मेरे साथ वापस चल, तेरी मदद से हम वो कंपनी तोड़ सकते हैं जो तुम दोनों ने मिलकर बनाई। और मैं बोलता हूं उसमें तुझे बदला 1000 गुना ज्यादा मिलेगा। चंदू, किसी एक आदमी या एक किसी से बदला लेने के लिए अंधा मत बन। समझने की कोशिश कर कि ये जो सब हो रहा है ये तुम्हारे धंधे की जात है, किसी एक की वजह से नहीं।